नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर फर्रुखाबाद से। दो दिन पूर्व गायब हुए छात्र अमान उर्फ फतेह अली का शव बाग में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। अमान कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम अमेठी जदीद निवासी यामीन का 10 साल का पुत्र था। अमान कक्षा 2 का छात्र था। वह परसों घर के निकट खेलते समय गायब हो गया। तभी से परिजन निहाल को चारों ओर तलाश कर रहे थे। अमान का शव आज सुबह नेहा पेट्रोल पंप के निकट बाग में पड़ा देखा गया। यह सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार की महिलाएं बच्चे को देखकर बुरी तरह बिलखने लगीं। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा भी मौके पर पहुँच गए। सर, कोतवाली फर्रुखाबाद का क्या मामला है? थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 8 तारीख को एक 10 वर्ष का बच्चा था, जिसका नाम अमान फतेह अली, जो कि अमेठी जदीद का रहने वाला था, उसके संबंध में उनके घर वालों के द्वारा एक लिखित सूचना दी गई थी करीब रात को 10 बजे कि उनका बेटा दिन में करीब 11 बजे से गायब है, जिसके संबंध में तुरंत थाने पर उचित धाराओं में FIR दर्ज की गई थी और सभी से लगातार हमारी कई टीमें उसकी खोजबीन में लगी हुई थी। तो वाली के साथ लगातार बात की जा रही थी। आज सुबह करीब 9:30 बजे वाली के घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बाग के अंदर बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसमें मौके पर पहुंचकर तुरंत से क्राइम सीन को सिक्योर किया गया है और डेड बॉडी को PM के लिए भेजा गया है। इसमें जो भी PM के अंदर फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर आगे की जानी कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से विजय सिंह की रिपोर्ट।